क्या चीता कुत्ते से डरता है? चीतों में आक्रामकता क्यों नहीं होती? चीते क्यों दूसरे जानवरों से बचते हैं? क्या चीता कुत्ते से डरते हैं? क्या चीता जैसे तेज दौड़ने वाला और हिंसक जानवर पालतू कुत्ते जैसे जीव से बचता रहता है, उससे दूर रहना चाहता है? ये सवाल बेहद रोचक है, लेकिन इसके उत्तर इससे कहीं अधिक दिलचस्प है, जो चौंकाने वाले हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे और पहली बार तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, चीते कुत्ते से डरते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि चीता जैसा हिंसक और हिरण जैसे बड़े बड़े जानवरों को एक ही झपट्टे में शिकार करने वाला जानवर कुत्ते से डरता है। इसके पीछे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास के सिद्धांत का गूढ़ मंत्र छिपा है। वन्यजीव विशेषज्ञों और विकासवाद सिद्धांत के जानकारों का कहना है कि चीतों का विकास इस रूप में हुआ है कि वो हिंसक जीवों का शिकार अपनी भूख मिटाने के लिए करें। इस कारण उनके पंजे मजबूत होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं और वो सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले जीव हैं। लेकिन वो मूल रूप से शांत जीव हैं, वो फ्रेंडली हैं। एग्रेशन यानी हिंसा उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए वो मोटे तौर पर हिंसा का सहारा नहीं लेते। यही कारण है कि वो गुर्राते भी नहीं हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी और कम डेसिबल की होती है, लेकिन एग्रेशन कुत्तों के स्वभाव में होता है। इसी कारण वो जोर से भौंकते हैं, वो लगातार भौंकते रह सकते हैं, जिसका मूल मकसद सामने वाले को डराना और उस पर दबाव डालकर उसे भगाना होता है। ये मज़ेदार बात है, यदि चीते के सामने कुत्ता पड़ जाए तो कुत्ता तो भौंकने लगेगा, लेकिन चीता उसका जवाब देने के बजाय उससे दूरी बनाएगा, शांत रहेगा और वहाँ से चुपके से निकल जाना चाहेगा। चीता विशेषज्ञों का मानना है कि एग्रेशन की कमी इसके लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। एग्रेशन की कमी के कारण चीतों के बीच मादा साथी के लिए प्रजनन के लिए आपस में लड़ाई नहीं होती। बाघ और सिंह के झुंड में मादा चीतों के लिए लड़ाई होती है, जो मोटे तौर पर हिंसक हो जाती है और जो जीता वही सिकंदर वाली बात होती है। लेकिन चीतों में ऐसा नहीं होता। 3-4 चीते एक मादा के साथ समय गुजार लेते हैं और लगभग एक ही समय में बारी बारी से प्रजनन प्रक्रिया से भी गुजर जाते हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि में मदद मिलती है। लेकिन चीतों में एग्रेशन का नुकसान ये है कि बाघ, सिंह और तेंदुए तक चीतों को डराए रहते हैं, जब तब हमला करते हैं और कई बार उन्हें मार डालते हैं। कुत्तों की ये औकात नहीं है कि वो चीतों को मार डाले, लेकिन वो चीतों को डरा जरूर देते हैं और बेचारे चीते उनसे बचते हैं।